Now my dear friends, let's talk about one more important part of the rabies and this is the categories of bite or categories of wounds. So what is the meaning of these categories? What is the meaning of these categories? As many times we hear, we hear this term that category cat one bite cat two bite category three bite so what is the meaning of all these things so let's talk about this so my dear friends let's assume that this dog has bitten here this dog has bitten here now this dog bite can be of three types if the dog is बाइटिंग बाई इट्स सेल्फ सो दिस इज कॉल्ड एज दी इन्नोसेंट बाइट वॉट आई विल कॉल दिस अ इन्नोसेंट बाइट अगर हम लोग हमारी तरफ से डॉग को चिड़ाएंगे नहीं इरीटेट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा हमें कुछ नहीं करेगा जस्ट हमारी इनोसेंट बनकर आएगा हमारे पास और क्या करेगा जस्ट हमारी स्किन को टच करेगा इन्नोसेंटली and it will not cause any lesion in the skin any lesion in the skin it means here the skin is intact so in the category 1 the skin is intact skin is intact just dog has touched our skin the dog has touched our skin this is the superficial part of the skin and this is deep part of the skin where the blood vessels are present so here in the innocent way the dog is just touching so this comes under the category 1 and here the skin is intact but if in the second case what will happen if the person this person is irritating this dog but this irritation is not so much this irritation is not so much so it will cause it will cause lesion only up to the superficial part only up to the Superficial part. It means that lesion is not deep. It means as the blood vessels are present in the dermis part and the bite is not so deep, so the bleeding will not occur. Bleeding will not occur. So the skin is abraded. सुपरफिशियल स्किन इज नॉट इंटेक्ट इज अंडर गोइंग एवरेजन बट हियर द ब्लीडिंग इज नॉट अकरिंग ब्लीडिंग इज नॉट अकरिंग सो दिस अंडर द कैटेगरी टू कैटेगरी टू बाइट बट इन दर्ड केस इन द थर्ड केस इफ वी हैव इरिटेटेड द डॉग इन अ वेरी लार्ज अमाउंट बहुत जम के अगर डॉग को चिड़ा दिया तो दिस डॉग विल कॉज डीप लीजन एज वेल एज दिस डीप लीजेंस कैन रीच अप टू दी मसल्स ऑल्सो बिकॉज द स्किन के नीचे क्या होती हैं मसल्स होती है तो दिस लीजेंस कैन रीच अप टू दी मसल्स ऑल्सो एंड एक जगह पे नहीं काटेगा वो क्या करेगा एक जगह पे काटने के बाद इतना इरिटेट कर दिया कि एक जगह तो एक जगह तो छोड़ो वो बहुत सारी प्लेसेस पे बहुत सारे प्लेसेस पे काटना ही स्टार्ट कर देगा सो इट विल कॉज मल्टीपल लीजंस इट विल कॉज मल्टीपल लीजन्स एंड ब्लीडिंग विल ऑल्सो अकर सो अगर डॉग बाइट के बाद ब्लीडिंग अगर उस लीजन में उस वूड में देखने को मिलती है इट मीन्स दिस इज कमिंग अंडर दी कैटेगरी थ्री मतलब कि कैटेगरी थ्री बाइट का ट्रीटमेंट हम लोग को करना है तो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर स्किन इंटेक्ट है तो पेशेंट को बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको कुछ नहीं होगा रेबीज़ वगैरह कुछ नहीं होगा बिकॉज हेयर द स्किन इज़ इंटेक्ट हीयर द स्किन इज़ इंटेक्ट सो देर इज़ नो नीड टू गिव एनी नो ट्रीटमेंट नीडेड पेशेंट को एश्योर करके हम लोग भेज देंगे बट कैटेगरी टू एंड थ्री नीड्स ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या करेंगे सबसे पहले तो लेट सपोज द स्किन सुपरफिशियल स्किन इज सुपरफिशियल स्किन इज एब्रेडेड सुपरफिशियल स्किन के अंदर क्या हो गया है लीजन हो गया है वुंड हो गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले वुंड को मैनेज करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे वुंड को मैनेज करेंगे फर्स्ट वॉट वी विल डू वोंड मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे सोप लेंगे जैसे कपड़े हम लोग कपड़े के ऊपर जब सोप लगाते हैं उस टाइप से हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे सोप लगाएंगे वूंद के ऊपर और इसको क्या करेंगे अच्छा बढ़िया सा फोम बनाएंगे झाग बनाएंगे इसके अंदर और फिर उसको रनिंग टेप वाटर के अंदर इसको वॉश कर देंगे कितनी देर के लिए फाइव टू टेन मिनट्स दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइव टू टेन मिनट कम से कम हम लोगों को रखना है रनिंग टेप वाटर के नीचे रनिंग अब क्वेश्चन ये है दूसरा है कि रनिंग टेप वाटर से फ़ायदा क्या है फ़ायदा क्या है कि अगर बाई चांस डॉग के सलाइवा में अगर कुछ होगा वायरसेस होंगे तो यहाँ पर वायरसेस आ जाएंगे इस के ऊपर तो ये वायरसेस को वॉश अवे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रनिंग टेप वाटर से इसको वॉश करते हैं तो रनिंग टेप वाटर की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि क्या इंपॉर्टेंस रनिंग टे वॉटर टू वॉश अवे द वायरसेस विल गेट वॉश्ड अवे अवेन व्हाट वी विल डू वी विल इंजेक्ट टीटी टी इंजेक्शन इंट्राम इंट्रामस्कुलरली डोज कितना देंगे टीटी का 0.5 पॉइंट ओके दे व्हाट वी विल डू वी विल प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट ओके एंटीबायोटिक्स देंगे थ्री और फाइव डेज़ के लिए और उसके बाद क्या करेंगे कि अब यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। एक कंडीशन ये कि इस इस इंडिविजुअल को डॉग ने काटा है मतलब कि उसके एरिया में डॉग्स हैं उसके एरिया में डॉग्स हैं तो इसको क्या करना है इस इंडिविजुअल को हमको इम्यूनाइज़ करना है फॉर द अगर इसको इन द फ्यूचर अगर डॉग बाइट करे तो इसको इन्फेक्शन इसको रेबिस ना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनको इम्यूनाइज़ करेंगे इस इंडिविजुअल को ठीक है और दूसरा क्या करेंगे इम्यूनाइजेशन से क्या फ़ायदा है सबसे पहला तो ये कि इनको इन द फ्यूचर रेबिस का इन्फेक्शन नहीं होगा रेबिस डिजीज़ नहीं होगी और दूसरा क्या फ़ायदा है दूसरा ये कि बाई चांस अगर वॉशिंग करने के बाद इंस्पाइट ऑफ

अगर हमारी बॉडी ने इसके लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाए तो इट विल कॉज रेबिस तो रेबिस बाइटिंग के ड्यूरिंग द बाइटिंग टू प्रिवेंट द रेबिस वी आर गिविंग एंटी रेबिस वैक्सीन ऑल्सो ये भी रेबिस को रोकने के लिए भी एट दैट टाइम ऑफ बाइटिंग को रोकने के लिए भी एंटी रेबिस वैक्सीन देंगे क्योंकि क्या होता है कि जो रेबिस वैक्सीन के अंदर जो वायरस होता है जो एंटीजन होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी जो है वो जल्दी से बना लेती है तो अगर जल्दी से बना लेगी तो ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद भी ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता उसको पहले ही हम लोग क्या करेंगे मार डालेंगे पहले ही हम लोग उसको कील कर लेंगे सो वॉट वी आर डूइंग इन द कैटेगरी टू दिस इज कमिंग अंडर द कैटेगरी टू सो कैटेगरी टू के अंदर क्या करना है सबसे पहले तो वूड को मैनेज करना है और दूसरा हमको क्या देना है रेबिस वैक्सीन देनी है एंटी रेबिस वैक्सीन देना है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी इन दी इंडिविजुअल एंड दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज गोइंग टू प्रिवेंट फ्राम द इज प्रिवेंटिंग एस फ्राम दी रेबिस इन द फ्यूचर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ बाइटिंग एट द टाइम ऑफ बाइटिंग हाउ एज यू ऑल नो नाउ तो यहां पर सिर्फ एंटी रेबिस वैक्सीन देंगे कैटेगरी टू के अंदर एंड वूड को मैनेज करेंगे रेबिस इम्यूनोग्लोब्योलिन कैटेगरी टू के अंदर हम लोग नहीं देते हैं ओके रिमेंबर दिस अब नाउ कमिंग टू कैटेगरी थ्री नाउ कैटेगरी थ्री के अंदर हमने डॉग को इतना ज़्यादा इरीटेट कर दिया है कि उसने मल्टीपल लीजन्स हमारी बॉडी के अंदर कर दिए मल्टीपल लीज़न्स एज वेल एज वेरी डीप लीजन्स तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे वे विल फाउंड वे विल फाइंड ब्लीडिंग सबसे पहले ओके एंड देर आर डीप लीजन्स तो सबसे पहले क्या करेंगे वुंड को मैनेज करेंगे तो वुंड मैनेजमेंट एज यू नो सोप से वॉश करेंगे रनिंग टेप वाटर लगाएंगे और फिर एंटीबायोटिक्स देंगे टीटी का इंजेक्शन लगाएंगे एंड ऑल दिस थिंग्स दिस कम दिस इज कमिंग अंडर दी वोट मैनेजमेंट अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर डीप लीजन है डीप लीजन में वायरस मोर एंड मोर वायरस कैन एंटर इन साइड द बॉडी मोर एंड मोर वायरसेस कैन एंटर इन साइड दी बॉडी तो यहाँ पर वॉश करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे ये वायरसेस एंट्री ना कर सके बॉडी के अंदर बिकॉज देयर आर डीप रीजन्स तो वेरी हाई अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर वायरसेस एंटर हो चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर इफ़ द डॉग वॉज इन्फेक्टेड अगर रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड डॉग ने अगर हमको बाइट किया है तो यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस आर प्रजेंट तो इन वायरसेस को ये वायरसेस जो है वो बॉडी के अंदर ना जा सके मूवमेंट ना कर सके क्योंकि मूवमेंट के थ्रू जाएंगे मूवमेंट ना कर सके तो इनको क्या करेंगे यहीं पर इमोबिलाइज करेंगे यहाँ पर इमोबिलाइज करने के लिए लोकली हम लोग क्या देंगे एंटी रेबिस वैक्सीन दैट इज़ कॉल्ड रेबिस इम्यूनोलो इम्यूनोग्लोबियोलिन सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हम लोग कैटेगरी टू में रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों नहीं देंगे और कैटेगरी थ्री के अंदर रेबिस इम्य रेबिस इम्यूनोगोगलोब रेबिस एंटीबॉडीज़ क्यों देंगे ठीक है और बाय चांस बाय चांस ये ये वायरसेस अगर हमारी बॉडी के अंदर चले भी जाते हैं ये वायरसेस अगर हमारी बॉडी के अंदर चले भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर बाय चांस वैसे तो लोकली हम लोग जो रेबिस इम्यूनोगोगलोबिल्स हैं वो लोकली हम लोग देंगे और लोकली देने के बाद अगर कुछ पार्ट बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंट वुंड से काफ़ी दूरी पर हम लोग क्या देंगे वुंड से वुंड से काफ़ी दूरी पर हम लोग क्या करेंगे इंट्रामस्कुलरली रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे इसका डोज कितना रहेगा ट्वेंटी इंटरनेशनल यूनिट पर के जी लेट सपोज देर इज अ पर्सन ऑफ सिक्सटी के जी सो हाउ मच वी विल गिव ट्वेंटी देन इट इज गोइंग टू गिव अ ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड इंटरनेशनल यूनिट लोकली हम लोग स्प्रेड करेंगे ठीक है और कुछ अगर इम्यूनोग्लोबुल्स बच जाती हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंट साइट पर डिस्टेंट साइट से मतलब क्या है लेट सपोज दिस इज़ द इंडिविजुअल एंड इफ़ द डॉग हैज बिटन हियर सो वी विल नॉट इन्फ्यूज़ वी विल नॉट गिव इंट्रामकुलरली इम्यूनोग्लोब्योलिन हियर वी विल गिव डिस्टेंट मोर डिस्टेंट टू इट सो हियर सो इससे फ़ायदा क्या है क्योंकि क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये जो है वायरसेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पर जाने वाले हैं तो यहाँ पर जब जाएंगे तो इनको हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय जो एंटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम लोग दे रहे हैं तो वो यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो है वो कील कर देगी ओके तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ रेबीज इम्यूनोग्लोबुल्स वी विल गिव एट डिस्टेंट साइट ओके सो रेबिस इम्यूनोग्लोबिलिन का डोज क्वांटिटी कितनी देनी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी इंटरनेशनल यूनिट पर केजी एंड उसमें से अगर कुछ बच गया तो हम लोग डिस्टेंट साइट पर ज़्यादा दूरी पर हम लोग इंट्रामस्कुलरली इन्फ्यूज कर देंगे ठीक है तो रेबिस इम्यूनोग्लोबिलिन कहाँ पर देना है ओनली एंड ओनली इन द कैटेगरी थ्री कैटेगरी टू में देने का कोई बेनिफिट है नहीं बिकॉज these anti-rabies vaccines as well as rabies immunoglobulins they are very costly. okay. अब नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट कि अगर बाई चांस एज दीज ऑल आर वेरी डीप लीजेंस अब डीप लीजेंस हैं तो इनको सुचरिंग करने की अगर नीड है तो हम लोग करेंगे दो दिन के बाद वैसे तो सुचरिंग इज नॉट रिकमेंडेड वाई सुचरिंग इज नॉट रिकमेंडेड माई डियर फ्रेंड्स बिकॉज सूचरिंग वायरस इज प्रजेंट हियर इफ दूचरिंग इज डन दैन दिस विल गेट ट्रैप्ड हियर एंड दिस विल कॉज मोर इन्फेक्शन सो ओपन रखेंगे फोन को जिससे अगर कुछ वायरसेस प्रेजेंट भी होंगे तो दे कैन बी वॉस्ड अवे दे कैन बी वॉस्ड अवे और टू डेज के बाद मिनिमम कम से कम दो दिन तक तो हमको वोंड को जो है वो ओपन रखना है और अगर सुचरिंग की नीड भी है देन वी विल डू सुचरिंग आफ्टर टू डेज़ सो रेबिस के अंदर दिस बाय वर्ड बाय वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बाय मतलब नंबर टू नंबर टू मतलब कि अगर सुचरिंग की ज़रूरत पड़ी तो दो दिन के बाद वोंड के बाइटिंग से दो दिन के बाद हम लोग सूचरिंग करेंगे सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दी दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ बाइट आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रेबीज